दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीएक्यूएम की तरफ से ग्रैप टू लागू किया गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जिस तरीके से नियम लगाया गया कि 1 नवंबर यानी कि आज के दिन से दिल्ली के अंदर बाहर के राज्यों से, मसलन बात करें तो दिल्ली में जो यूपी से, उत्तराखंड से, हरियाणा से या राजस्थान से बसें आती है, सामने भी आप देख पा रहे हैं इस तरह से रोडवेज की जो बसें हैं वो जो दिल्ली में आए तो वो सिर्फ BS6 डीजल इंजन हो, इलेक्ट्रिक हो या फिर CNG हो, इनके अलावा जो BS3 और 4 है उन बसों को पूरी तरीके से दिल्ली में आने से रोक दिया जाएगा और रोका जा रहा है। और आपको बता दें इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग की 18 टीमें बनी हैं और जो अभी तक की जानकारी पर्यावरण मंत्री ने बताया है कि इस टीम ने तकरीबन 59 बसों को ऐसा रोका है जो कि मानक से नीचे, यानी कि BS6 डीजल इंजन से नीचे थी और दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये जरूर है कि अभी जो नियम है वो आपके प्राइवेट वाहनों पर नहीं है, यानी कि आपका अगर निजी वाहन इस तरीके से है BS6 से नीचे तो वो ला सकते हैं, लेकिन जो दूसरे राज्यों से आने वाली बसें हैं, तो देखिए सामने इस तरह से दिखाई एक बार सुनील, इस तरह की जो बसें हैं, जो रोडवेज बसें हैं दूसरे राज्यों से आती हैं, पुरानी बसें हैं, मसलन आप देख पाएंगे तो बस खाली जा रही है क्योंकि इन बसों को सवारी लेकर दिल्ली में आने या बाहर जाने की पाबंदी लगाई गई है। इसका जो नियम है उसने लागू किया गया कि जो AQI है दिल्ली का वो लगातार खराब हो रहा था। ऐसे में जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने एक बैठक भी की और कहा कि लगातार देख रहे हैं कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से दिल्ली में जो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 से ऊपर है, तो ऐसे में कुछ इलाके ऐसे भी 400 से ज़्यादा है। तो बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर उन इलाकों में जो हॉटस्पॉट है लगातार अगर एक हफ्ते तक AQI 400 से ऊपर रहता है तो वहाँ पर 1 किलोमीटर जो परिधि है उसमें होने वाले निर्माण कार्य पर रोक लगाने का भी फैसला लिया सकता है। साथ ही साथ जो RWS है, तकरीबन जो SDM है, उन्होंने 996 RWO की से मीटिंग की और सुनिश्चित करने की कोशिश की जो रात में गार्ड होते हैं क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, वो लकड़ी जलाते हैं, बायोमास जो पॉल्यूशन है वो पैदा होता है, तो उनको भी रोकने के लिए हीटर उनको दिए जाए। साथ ही ये भी कहा है कि जो दिल्ली के सरकारी विभाग है वहाँ पर ही रात्रि की शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी हीटर ही इस्तेमाल करें, बायोमास पॉल्यूशन ना फैलाएं, तो तमाम जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। और इस पर अब दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो ग्रैप लगाऊ किया गया है CAQM की तरफ से उसको पूरी तरीके से सुनिश्चित तौर पे उसको पुख्ता किया जाए। साथ ही साथ में गोपाल राय ने ये भी कहा कि अगले जो 15 दिन हैं वो दिल्ली के लिए बेहद अहम है और इन 15 दिनों में जब हवा और तापमान बदलेगा तो ऐसे में जो दिल्ली का पॉल्यूशन है AQI जो है वो काफ़ी पुअर स्थिति में आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि 1 नवंबर से दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली जो बसें हैं, रोडवेज हों चाहे वो निजी ऑपरेटर्स की हों, उन पर अगर वो BS6 से नीचे की हैं तो उनकी एंट्री नहीं होगी। ऐसे में जो लोग हैं जो दिल्ली से बाहर जाते हैं या बाहर से दिल्ली आ रहे हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सहयोगी सुनील के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष।